आज हम क्लासेस के जो प्रथम दिन है उसी के बारे में चिंतन करेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले जो सब्जेक्ट है बता देता हूँ आपको, आपका जो कक्षा सिक्स है, सिक्स में आपका सब्जेक्ट है वो संस्कृत है। संस्कृत में क्योंकि सारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल नए आते हैं, उनको संस्कृत की कुछ व्याकरण संबंधी बातों का नॉलेज नहीं होता है, तो उन सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो संस्कृत के संबंध में व्याकरण संबंधी ज्ञान के लिए सबसे पहला जो प्रश्न हमारा होता है कि व्याकरण कहते हैं। जब आप छोटे छोटे थे क्लास एलकेजी और यूकेजी में आए थे उसी में आपको व्याकरण संबंधी जानकारियां देना शुरू कर, उसमें आपके इंग्लिश और हिंदी के अंदर व्याकरण संबंधी बहुत सारी जानकारी आपको दे दी गई थी, मगर संस्कृत के बारे में आपको जानकारियाँ बहुत ही कम दी गई। तो मैं आपको बता देता हूँ व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं इसके बारे में आपको नॉलेज होना, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है हमारी संस्कृत की। और ये बता कहते हैं कि सारी भाषाओं की जो जननी है, सारी भाषाओं पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं की जननी है उसको संस्कृत को ही कहा गया। तो संस्कृत किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण उस विद्या को कहते हैं जिसके द्वारा शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान, शब्दों के ये कहते हैं व्याकरण उस विद्या को कहते हैं जिसमें शब्दों के शुद्ध रूप का, क्योंकि जब हम हिंदी के अंदर जब शब्द का निर्माण करते हैं, लिखते हैं, वर्णों के द्वारा उन चीजों को लिखते हैं, उसमें सारे एक एक पॉइंट के बारे में आपको अध्ययन करें, हम हमें मात्रात्मक अगर ज्ञान नहीं होता है तो हमारी अशुद्धियां बहुत ज्यादा, उन अशुद्धियों को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य। अब कैसे शब्दों के शुद्ध रूप, शब्दों का शुद्ध रूप, अशुद्ध क्या है, शुद्ध क्या है, तो हमें शुद्ध के बारे में पता लग जाएगा तो हम कह सकते हैं ये जो शब्द आपने लिखा है वो अशुद्ध। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा हम बता देते हैं आपको कि उदाहरण के लिए जैसे शर्मा अशर्मा, आपने शर्मा जाति नाम सुनी होगी और शर्मा भी नाम सुना होगा, उसमें शर्मा तो क्यों वो होते हैं तो ब्राह्मण, ब्राह्मणों के लिए शर्मा का प्रयोग किया जाता है, जबकि शर्मा ये जो शर्मा रखा है सेकंड वर्ड जो शर्मा रखा है इसमें एक कुटिया थी और जिसकी संतान को हम सारवे या शर्मा, तो कितना फर्क है, एक कुत्ते का बच्चा शर्मा होता है और एक ब्राह्मण का जो विद्वता रखने वाले लोग होते हैं उनको शर्मा क्या, यानी आपकी छोटी सी मात्रात्मक गलती होने की वजह से आपका सार या शब्दों का सार ही परिवर्तित हो जाता है, तो उन सार को हमें शुद्ध रूप से लिखने का प्रयास करना। अब इसी के व्याकरण से संबंधित ही हम आगे की यात्रा करते हैं, उसमें आपके व्याकरण के जो मुख्य भाग बताए गए हैं, व्याकरण के जो मुख्य भाग है वो तीन है, वर्ण विचार, पदों का विचार और वाक्यों का, वर्ण से पदों पद से वाक्यों का निर्माण होता है। हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है व्याकरण के जो मुख्य भाग है वर्ण विचार, पदों का विचार और वाक्यों का विचार। अब सबसे जो एक प्रश्न और उठता है कि वर्ण से, क्योंकि जब आप बिल्कुल एलकेजी यूकेजी में थे तो वर्णों के बारे में आपको जानकारी करवा दी गई, पर उस समय आप ज्ञान की वजह से आपको पता ही नहीं था कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस छोटी सी छोटी ध्वनि का नाम है जिसके हम टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण, वर्ण छोटी सी छोटी ध्वनि का नाम है, वर्ण उस छोटी सी छोटी ध्वनि का नाम है जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए बताते हैं जैसे ई ए ई ओ, पता कै, कै में अलंकार है, कै में भी, यानी पूर्ण रूप से नहीं, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब उसके अंदर वर्णों के टुकड़े होते हैं, वर्णों को दो भागों में विभक्त किया जाता है, वर्णों को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, वर्णों को दो भागों में विभक्त किया जाता है, आपका स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, स्वर को हम अच भी कहते हैं और व्यंजन को हम हल भी कहते हैं, स्वर को हम अच कहते हैं और व्यंजन को हम हल कहते हैं। तो आज हम केवल इतना ही ध्यान करना है व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का शुद्धिकरण के बारे में भी ध्यान करना है, व्याकरण के मुख्य भाग बताए गए हैं और वर्ण किसे कहते हैं और उनके, कल आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बता दिया जाएगा।
सुप्रभातम, आज के लेसन क्यों इतना ही है, कल आपको जो नया वीडियो भेज दिया जाएगा उसमें आप सारे प्रश्नों के उत्तर भी लिखना है। और मैंने कुछ बच्चों को, जिसमें कुछ बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए थे, उसमें केवल 5-7 बच्चे थे, तो मैंने उनको एक व्याकरण के संबंध पूरी एक फोटो भेज दी थी वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप भी उन बच्चों से संपर्क करके लिख सकते हैं। वैसे मैं आपके ग्रुप में भेज सकता हूँ, भेज दूंगा, जिससे कि आप सारे के सारे बच्चे उसमें लिख सकते हैं। आज का इतना ही, जय हिंद जय भारत।